वेल, होम मेकिंग इज एन आर्ट, और ये एक ऐसा आर्ट है जो रोज ही हमारा निखरता जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ होम मेकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे आइडियाज एंड हैक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका ये होम मेकिंग का आर्ट और ज्यादा ही निखर जाएगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए आज का ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो में स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू वीडियोज हमेशा मिलती रहे। सो दिस टाइम होम मेकिंग आइडियाज, लेट्स बिगिन। अभी मैं रिसेंटली ही अपने घर गई थी, और जब मैं अपने घर जाती हूँ तो एक पाउच में अपने कुछ मेकअप के एसेंशियल सामान को लेके जाती हूँ। बटन जब जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है जिस कारण से हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाता है। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएं और रिटर्न आएं तो सबसे पहले अपने सामानों को जगह पर रखें और सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करें। ऐसा करने से कम समय में ही आपके सारे सामान ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, प्लस जो जो चीज़ आपने लेके गए और वो सारी चीज़ें आपके वापस से जगह पे भी आ जाएगी। तो जब भी हम मंथली सामान घर पे लाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा सामान आ जाने के कारण चीज़ें खराब हो जाती है, या घर में सामान रहते हुए भी हम एक्स्ट्रा सामान लेके आ जाते हैं। इससे बचने का सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप हर चीज़ों को एक स्पेसिफिक उसके कंटेनर दें। ऐसा करने से आपको पता भी रहेगा कि आपके किचन में कौन से सामान है, कौन से सामान ख़त्म हो गए और किन किन सामानों को आपको इस मंथ लेके आना है। प्लस जब आप सारी चीज़ों को जार में डाल देते हैं तो आपका किचन भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब घर में दही का यूज़ होता है तो हम अक्सर नीचे वाले दही को फेंक देते हैं, या बर्तन में जो भी दही बचा रह जाता है वो हमारे वेस्ट हो जाते हैं। बट ये दही आपके गार्डनिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। बस आपको इस कटोरी में थोड़ा सा पानी मिला के इसे अच्छी तरह से डाइल्यूट कर देना है, और अब आप इस बटर मिल्क को अपने कड़ी पत्ते में डालिए। कड़ी पत्ते का प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का यूज़ हमारे घर में तो डेली ही होता है, बट इसे साफ़ करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जिस कारण से इसके अपर पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा गंदगी लग जाती है। तो इसे साफ़ करने का सबसे बेस्ट एंड सबसे इजी तरीका ये है कि आप यहाँ पर कोई भी बेबी वाइप्स या कोई भी फेशियल वाइप्स ले लें और इसे अच्छी तरह से वाइप आउट कर ले। मिनटों में ही आपके अपर पोर्शन पूरी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका बिफोर लुक क्या था और आफ्टर लुक क्या है, कितना ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाता है, और ये वाइप्स हमारे क्लीनिंग के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देते हैं। आप इन वाइप्स से अपने किचन के बहुत सारे अप्लायंसेस को क्लीन कर सकते हैं, लाइक मिक्सर ग्राइंडर हो गया, चिमनी के स्विचेस हो गए। सेम वही वाइप से हम इसके हीटर को भी क्लीन करेंगे, यानी इसके नीचे वाले पोर्शन को। ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, और बस वाइप से हम इसे वाइप आउट करेंगे और ये एकदम क्लीन हो जाएगा। तो जब इन सारी चीज़ों की क्लीनिंग हो ही रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं वाइप से इनके वायर को भी मैं साफ़ कर लूँ। तो एक वाइप से आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। वेल, अभी मैं रिसेंटली अपने घर गई थी तो नेल पेंट वगैरह लगाया था। तो हम लेडीज़ का क्या प्रॉब्लम होता है कि हम नेल पेंट तो लगा लेते बट उन्हें हटाना हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती है। हम सोचते हैं ये अपने आप ही उतर जाएगा, और जब नेल पेंट धीरे धीरे जाता है तो हमारे हाथ काफ़ी ज़्यादा गंदे लगने लगते हैं। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, यानी जब मेरा बेबी सो जाता है, तब मैं अपना सेल्फ केयर ज़रूर करती हूँ। जो भी चीज़ अपने आप से रिलेटेड हो, जैसे मैंने अभी नेल पेंट लगाया था तो उसे हटाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ मैं नेल पेंट को हटा रही हूँ, और नेल से जुड़े हुए मैं सारी चीज़ें एक बॉक्स में रखती हूँ जिस कारण से इसे एक्सेस करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। चाहे वो नेल पेंट हो, चाहे वो नेल रिमूवर हो, चाहे नेल कटर हो, या नेल से जुड़े हुए कोई आर्ट हो। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेल्फ केयर होते हैं जो हर लेडीज़ को थोड़ा अपना टाइम ज़रूर देना चाहिए। जब हम मिक्सर ग्राइंडर के जार का यूज़ करते हैं तो वो जार कुछ समय के बाद काफ़ी ज़्यादा डल लुक देने लगते हैं। तो इसे क्लीन करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप इसमें डालिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा, देन हम यहाँ पर डाल रहे हैं विनेगर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लिक्विड डिशवॉश। एक यहाँ पर मैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यूज़ करूँगी, वो है आइस। आइस डालने से क्या होगा कि ये स्क्रबर का काम करेगा। आपके मिक्सर ग्राइंडर में जितने भी डर्ट्स या डल लुक आ गया है वो इस आइस की वजह से पूरी तरह से दूर हो जाएगा। और ये वाला तरीका आप अपने हर मिक्सर ग्राइंडर के जार के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्टील का जार हो, चाहे आपका ग्लास का जार हो। तो बस सारी चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के एक बार इसे हम मशीन में अच्छी तरह से चला लेंगे,
और इसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर देंगे। क्योंकि मैं हूँ होम मेकर और हर छोटी छोटी चीज़ों में जब पैसा बच जाता है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। अभी मैंने इस मिक्सचर को बनाया तो सेम इसी मिक्सर से एक और मेरे पास जार है जो काफ़ी ज़्यादा इसका डल लुक हो गया है। सेम इसी चीज़ को मैं उसमें डाल के भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और फिर इन्हें नॉर्मल वाटर में क्लीन कर दूँगी। तो एक ही खर्चे में दोनों मिक्सर ग्राइंडर के जार अच्छी तरह से क्लीन हो गए। आप देख सकते हैं वापस से उसका शाइनिंग लुक आ चुका है। तो बिना किसी खर्चे का आप इस तरह से अपने घर को क्लीन भी कर सकते हैं, प्लस जब आप इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपका घर भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। आज के डेट पे हम सभी को हेयर फॉल के साथ साथ बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम भी आ गए हैं और इन्हीं सारे प्रॉब्लम के बीच हम ऐसे कुछ केमिकल फ्री प्रोडक्ट खोजते हैं जो हमारे हेयर के प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो आपको दिख रहा हो कि मेरे पास अभी है सीकाकाई, आंवला, भृंगराज, रीठा और हिबिकस यानी गुड़हल के पाउडर। ये सारे प्रोडक्ट स्टैमियो के हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और प्लस आपके हेयर के सारे प्रॉब्लम को ये मिनटों में दूर कर देता है। एंड स्टैमियो के इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये केमिकल फ्री है और इसे अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस आपको इक्वल क्वांटिटी में यानी एक एक चम्मच या जितने भी आपके हेयर की लेंथ है उस हिसाब से आप सारे प्रोडक्ट को यानी आंवला, रीठा, सीकाकाई, भृंगराज, गुड़हल के पाउडर को सारे को एक में डाल लें। देन थोड़ा सा पानी दे के आप इसका सेमी लिक्विड मिक्सर तैयार कर लें। अब बस ये अप्लाई करने के लिए तैयार है। जब भी मुझे अपने हेयर की केयर करनी रहती है तो मैं इन स्टैमियो के हेयर प्रोडक्ट को यूज़ करना नहीं भूलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह से अपने हेयर में लगा लिया है। 30 मिनट बस इसे ऐसे रखना है, देन नॉर्मल तरह से शैम्पू कर देना है। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। मानसून के दिनों में मेरे घर में नीम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। किसी भी तरह के बैक्टीरिया को दूर करने के लिए हमें पता है कि नीम कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब मैं नीम को यूज़ करती हूँ तो उसके डंटल को मैं बचा के रख लेती हूँ और उसे सूखने के लिए धूप में छोड़ देती हूँ। जब ये धूप में अच्छी तरह से सूख जाता है तब ये बहुत ही अच्छा एक नेचुरल हमारा टूथपिक बन जाता है और हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है। मेरे घर में तो सभी चाय लवर हैं और उनमें से सबसे बड़ी चाय लवर मैं हूँ। बट चाय को भी हम एक अच्छा वे में ले सकते हैं, उसे हम हेल्दी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर चाय मसाला बनाती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा लौंग, प्लस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दालचीनी, प्लस यहाँ पर मैं कुछ तुलसी के डंटल का भी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इन डंटल का आप सूखा के भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़ी इलायची। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। आप यहाँ पर सौंठ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मैं चाय बनाती हूँ तो मुझे वहाँ पर फ्रेश अदरक डालना ज़्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ पर मैंने सौंठ का यूज़ नहीं किया है। और जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तब इसे थोड़ा सा ठंडा करके हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे हम पीस लेंगे और हमारा होम मेड चाय मसाला पाउडर बन के तैयार है। सारी अच्छी चीज़ें हमने इसमें डाली है और ये सारी चीज़ें आपके चाय को एक ऊँचे लेवल पर ले जाता है। नॉर्मल से चाय भी चुटकी भर ये चाय मसाला पाउडर डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो हमेशा मेरे घर में इस तरह का होममेड चाय मसाला पाउडर अवेलेबल रहता है ताकि हर चाय एक हेल्दी चाय भी मेरे लिए रहे। सो आपको मेरी ये सारी आइडियाज़ कैसे लगे मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।